हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेवन एट सिक्स आज के इस वीडियो में हम एम सी क्यू क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि पोलिटिकल साइंस सिक्सथ सेमिस्टर के हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट एंड थ्योरीज यहाँ पर मैं सेवेंटी क्वेश्चन आपको सॉलव करवाऊंगा जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में करीबन करीब ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन इन सेवनटी क्वेश्चन में जरूर आएंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इससे पहले भी मैंने कुछ एम सी क्यू सीरीज यहाँ पर अपडेट किए हैं इस चैनल पे तो जाकर प्ले लिस्ट में वो भी देखिए अगर वहाँ पर आपको वो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो वो भी देखिए और इससे पहले मैंने एक पेपर भी अपलोड किया है पोलिटिकल साइंस का तो वो भी देखिए उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं प्रीवियस ईयरली इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे एनालाइज़ करेंगे ताकि आप जो हो मेमोराइज़ कर पाओगे ईज़िली इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इन एग्जाम में आपके ज़रूर आने हैं तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए इनमें बहुत मेहनत लगती है आप लोग आधा ही वीडियो देखते हो और लाइक भी ज़रूर किया करिए इससे क्या है कि डिमोटिवेट ना होते हम हम मोटिवेट रहते हैं और वीडियोस बनाने के लिए तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है द डिसपिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑरिजिनेटेड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एज ए डिसपलिन ये किस कंट्री में सबसे पहले ऑरिजिनेट हुआ है तो आपके पास चार ऑप्शन है पहला ऑप्शन यहाँ पर यूके है यूनाइट किंगडम ऑप्शन बी यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑप्शन सी जर्मनी तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो यहीं पर सबसे पहले जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आगाज हुआ था डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर यह भी जरूरी समझना है कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हमने सॉल्व करने तो ये भी समझना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है मैंने बहुत सारे वीडियोस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर बनाए हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर वो भी चेक कीजिए और यहां पर भी मैं बताता हूँ आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है पब्लिक यानी जनरल पीपल जनरल पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू सर्व तो पूरा मीनिंग अगर हम इस देख, इस इन वर्ड्स का देखेंगे तो वो होता है टू तो सर्व द जनरल पब्लिक जो जनरल पब्लिक होता है आवाम होता है उनकी खिदमत करना उनको मेंटेन करना वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है तो इन सिंपल वर्ड दिस इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस पर हम बहुत क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करने के बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कौन है इनमें ऑप्शन ए ल डी वाइट ऑप्शन बी डब्ल्यू एफ विलोक बाई ऑप्शन सी फ्रैंक जे गुडनो ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी वुड्रो वुड्रो विल्सन विल्सन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिचोटॉमी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन ऑप्शन बी डब्ल्यू एफ विलोक भाई ऑप्शन सी मैरी पार्कर फोलिट तो इसका राइट आंसर जो यहां पर वो बनेगा ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन वुड्रो विल्सन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशन हैविंग फॉर देयर पर्पज द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी हु गेव दिस डेफिनेशन इस डेफिनेशन को किसने दिया है आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए एल डी वाइट ऑप्शन बी जे एम पिफनर ऑप्शन सी ई एन ग्लैडन ऑप्शन डी मार्शल डिमॉक सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एल डी वाइट जी हाँ एल डी वाइट ने यह डेफिनेशन दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट हु गेव डेफिनेशन तो ये डेफिनेशन जो है ये किसने कही है आपके पास चार ऑप्शन है पहला ऑप्शन जो है डिविट वेल्डो ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन ऑप्शन सी ल्यूथर गुलिक ऑप्शन डी ई एन ग्लैडन सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए डिविट वेल्डो ये उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नाउ दिक्स क्वेश्चन इज द इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सपोर्टेड बाई ऑप्शन ए एल डी वाइट ऑप्शन बी डि ऑप्शन सी ग्रेडन ऑप्शन डी ऑल ऑफो तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर है ऑप्शन डी ऑल ऑफो दीज ऑल ऑफ दी स्कॉलर दपोर्टर्स ऑफ इंटीग्रल व्यू दो चीजें यहां पर है एक होता है इंटीग्रल व्यू दूसरा होता है मैनेजरल व्यू ये आपको यहां पर समझना जरूरी है इंटीग्रल व्यू और दूसरा होता है मैनेजरल व्यू ये दोनों क्या चीजें हैं जब आप नेचर पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं वहां पर एक होता है इंटीग्रल व्यू और दूसरा होता है मैनेजरल व्यू ये दोनों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर में आती हैं। तो इंटीग्रल व्यू का क्या मतलब होता है इंटीग्रल व्यू वो व्यू होता है जिसमें क्या है कि पियान से लेकर टॉप ऑफिशियल तक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हो चाहे वो पियान हो चाहे वो कलर्क हो चाहे वो टॉप ऑफिशियल मैनेजर हो वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं वो है आते हैं इंटीग्रल व्यू में और मैनेजरल व्यू की जहाँ तक हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप ऑफिशियल होता है फॉर एग्जाम्पल मैनेजर मैनेजर की जो भी एक्टिविटीज़ हो जैसे कि कलरिकल एक्टिविटीज़ मैनेजरल एक्टिविटीज़ ये सब क्या है ये मैनेजरल व्यू में आता है टॉप ऑफिशल इसमें क्या है कि इसमें आपको पियान देखने को नहीं मिलेगा इसमें सिर्फ मैनेजरल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो टॉप होगा बॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन का उसी की जो भी वो एक्टिविटीज uh, परफॉर्म करता है वो उनको हम मैनेजरल एक्टिविटीज uh, कहते हैं तो ये दो जो है दीज आर टू व्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स नेचर नौ द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हू एमंग एडमिनिस्ट्रेशन मैंने अभी बताया आपको मैनेजरल क्या होता है और इंटीग्रल व्यू क्या होता यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर में आता है तो ऑप्शन ए यहां पर आपको ल्यूथर गुलिक ऑप्शन बी हर्बर्ट साइमन ऑप्शन सी थोम्पन ऑप्शन डी ऑल ऑफो सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफो डियर स्टूडेंट्स यहां पर और एक बात आपको समझनी चाहिए यहां पर क्वेश्चन में क्या बताया गया हु यहां पर इनमें से कौन है हो सकता है वहीं से दिया गया हो हर्बर्ट साइमन इज द चीफ सपोर्टर ऑफ डैश डैश इंटीग्रल व्यू मैनेजरल व्यू बोथ एंड बी नैन ऑफ वो। इस टाइप का क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन से बनता है तो हेरबोट साइमन जो है वो मैनेजरल व्यू का मैनेजरल व्यू का यहाँ पर सपोर्टर था तो इसीलिए ये जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ इनको यही इसी का यही मतलब होता है पेपर एनालिसिस का क्वेश्चन को हम एनाल करते हैं ताकि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन तो मत बनता है ये हम यहाँ पर सीखते हैं यही मकसद होता है वरना तो मैं ऐसे ही एस आर नो में भी आपको आंसर दे देता उससे कोई फायदा नहीं होता उससे बेटर है कि मैं आपको पीडीएफ फाइल ही प्रोवाइड करूं मेरा यही मकसद होता है कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर द वर्ड पोस्ड कॉब रिलेट्स टू द डैश डैश ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको भी मैंने पढ़ाया है इस चैनल पर अगर आपने अभी तक पोस्ड कॉब आपको पता नहीं है यहाँ पर ये यह काफ़ी बड़ी टर्म है अगर मैं यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बड़ा बन जाएगा इसलिए इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो उसे इस वीडियो को देखिए इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में पोस्ड कॉब में ये एक इम्पॉर्टेंट एकरोनियम है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एक स्किल है जो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशनल एक्टिविटीज़ हो वो आसानी से परफॉर्म हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन का जो गोल हो उसको भी हम अचीव करें ये होता है पोस्ड कॉब तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी फुल फॉर्म पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एस स्टैंड्स फॉर स्टॉपिंग डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग सी ओ स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग एंड बी स्टैंड्स फ़ॉर बजटिंग ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में अडॉप्ट किए जाते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए और यहाँ पर पूछा गया है कि पोस्ट काब जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे डील करता है क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग है क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पज़ है या क्या है तो इसका राइट right आंसर जो यहां पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन टू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो दायरा है ये इसमें आ जाता है पोस्ड कॉप जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का के स्कोप में आ जाता है वर्ड पोस्ड कॉप वॉज क्वनिड बाय इसका राइट right आंसर जो है वो है ल्यूथर गुलिक ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और एक बात मैं आपको यहाँ पर पूछूंगा बताना चाहता हूँ पोज्ड कॉप जो हो मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई अभी कुछ सेकंड पहले इस पोज्ड कॉप में कोई क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है इन द इन द एकरोनियम पोज कॉब द पी स्टैंड फॉर पी का क्या फुल फॉर्म है इन द एनियम पोज कॉब सी स्टैंड फॉर इसी तरह से सी ओ स्टैंड फॉर आर स्टैंड फॉर बी स्टैंड फॉर इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी बनाए वो नीचे आपको समझ में आ जाएंगे तो हम उन पर जाते हैं तो इसी तरह से आप ये क्वेश्चन जो है याद रख पाओगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर टेंथ यहां पर है द लेटर पी इन पोज कॉब स्टैंड फॉर मैंने अभी बताया आपको पी की जो फुल फॉर्म है वो है प्लानिंग तो प्लानिंग यहां पर इसका राइट right आंसर बनेगा पी स्टैंड फॉर प्लानिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटर ओ इन पोस्ड कॉब स्टैंड फॉर ऑब्बियसली ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन वो तो मैंने अभी आपको बताया हेयर द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द लेटर एस इन पोस्ड कॉब स्टैंड फॉर एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा यहां पर तो इसी तरह से और एक यहां पर लेटर पूछा गया है द लेटर डी इन पोज कॉब स्टैंड फॉर स्टैंड right यहां पर ऑप्शन ए ही बनेगा इनको मार्क करने की जरूरत नहीं है मैंने आपको पहले ही बताया है नो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सी ओ स्टैंड फॉर कॉर्डिनेटिंग कॉर्डिनेटिंग जो है वो आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द लेटर आर इन पोस्ट कॉब स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग मैंने आपको अभी बताया तो इसका भी राइट right आंसर जो है ऑप्शन बी बनेगा मार्क में बहुत सारे क्वेश्चन पर इनकी फुल फॉर्म में द लेटर बी इनपोज बजटिंग वो आपको ऑप्शन यहां पर ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा बजटिंग सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन कॉमन पर्पज हुईन को किसने कहा है जेडी मोनी ऑप्शन ए ऑप्शन बी एल डी वाइट ऑप्शन बी ऑप्शन सी पिफिनर ऑप्शन डी ल्यूथिर गुलिको द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जे डी मोनी जी हाँ जेडी मोनी ने कहा है फिर इससे एक बार हम ये डेफिनेशन पढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉरम दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉरम ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए कॉमन पर्पज ये किसने कहा है ये व्यू जो दिया है ये जे डी मोनी ने कहा है क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए पर्सन ऑप्शन बी प्लेसिस ऑप्शन सी प्रोसेस ऑप्शन डी प्लानिंग सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी प्लानिंग जी ऑप्शन हाँ, डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा नो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन स्पेन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन डैश डैश ऑप्शन ए फंक्शन ऑप्शन बी टाइम ऑप्शन सी स्पेस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो तो इसका राइट right आंसर जो यहां पर है वो बनेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो ऑप्शन डी इसका राइट right आंसर है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है उनका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ तो अब हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्केलर चेन रेफर्स टू ऑप्शन ए ऑल मैनेजर्स इन ए कंपनी ऑप्शन बी चेन ऑफ कम्युनिकेशन ऑप्शन सी चेन ऑफ कमांड ऑप्शन डी चेन ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिंक्ड बाय स्टेप वाइज तो इसका राइट right आंसर जो है वो है ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी एक्शन वट सो एवर एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली हू गेव डेफिनेशन ये किसने कहा है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहां पर तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूं डायरेक्टली ऑप्शन कुछ मैं यहां पर नहीं पढ़ूंगा इससे आपका टाइम बच जाएगा तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हेनरी फ्यूल सेज दैट फॉर एनी एक्शन वट्स एन एंड एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली ये जो है हेनरी फ्यूल ने कहा है वो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा सो द ऑप्शन ए हेनरी फ्यूल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हू द फॉलोइंग रूट द एस द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कैसे है किसने लिखा है तो इसका राइट right आंसर जो यहां पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन जी हाँ वुड्रो विल्सन ने सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए डिसिप्लिन की डिमांड की थी आई थिंक एटीन हंड्रेड एटी सेवन में एटीन हंड्रेड एटी सेवन में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था उसमें उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड की थी तो वुड्रो विल्सन जो है इसका राइट right आंसर बनेगा यहाँ पर नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन टू दी पब्लिक एक बुक हैं ये किसने लिखी हैं हुट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाई मैक्स वेबर एल डी वाइट एफ डब्ल्यू टेलर एम पी फुलट सो द रट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन बी एल डी वाइट ने यह बुक लिखी है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पॉल एच एपल बाई पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स ऑन द ऑप्शन ए पोलिटिकल करेक्टर ऑप्शन बी ब्रेड ऑफ स्कोप इम्पैक्ट एंड कॉन्सिडरेशन ऑप्शन सी अकाउंटेबिलिटी ऑप्शन डी ऑल ऑफो तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ डो Now the next question is question number twenty-five. The administrative organization of the organ government consists of the administrative organization of the government consists of dash dash option A line option B staff option C auxiliary option D all all the above. So the right answer for this question is option D all the above. option d is the right answer for this question now the next question question number 26 which among the following agency directly carry out the function of accomplishing the substantive objectives of organization option a chief executive option b staff option c line option d auxiliary so the right answer for this question is option c line is the right answer for this question now the next question question number 27 which among the following agency perform secondary or supportive functions option a lion. option b auxiliary option c chief executive option d staff option d is the right answer for this question here the next question is which among the following agency provides common housekeeping service to the line agency common housekeeping service to the line agency chief executive sit off auxiliary agencies option d all all the above so the right answer for this question is option c auxiliary agencies नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ह्यूमन फादर कौन है तो राइट आंसर मे इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी द्रोन स्टडीज रिलेटेस विथ ह्यूमन रिलेशन स्कूल ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑल दबो सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द्रोन एक्सपेरिमेंट गिव राइज टू न्यू थिंकिंग कॉल्ड ऑप्शन ए साइंटिफिक मैनेजमेंट तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा यहां पर Next question Bank wiring experiment relates with dash dash. Bureaucratic theory, have thrown studies, system theory, systems theory, option D scientific management theory. Here the option B is right for uh, right answer for this question. Option B is right answer. Have thrown studies. क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच आर द एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन रिलेशनस थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत मरतबा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा इस सवाल को पूछा गया है इनमें से कौन सा एलिमेंट है ऑप्शन ए द इंडिविजुअल ऑप्शन बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट ऑप्शन डी ऑल दबो ये तीनों जो है एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनस थ्योरी हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट right आंसर बनेगा यहाँ पे

ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑल द तो इसका राइट आंसर जो है वो पर बनेगा ऑल द एबो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपाउंडेड द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एफ डब्ल्यू टेलर फ्रेडरिक टेलर हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो यहां पर है फ्रेडरिक टेलर अभी पहले भी मैंने बताया इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म का यूज किया तो फादर भी ऑब्वियसली यही होगा

फंक्शनल फॉरमैनशिप इज एसोसिएटेड विथ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी सैंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी तो इसका राइट right आंसर जो है वो है ऑप्शन बी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी वन परपज टाइम स्टडी इज तो इसका राइट right आंसर जो है वह ऑप्शन बी टू रिमूव वेस्टेज टू रिमूव वेस्टेज परपज टाइम स्टडी इज टू रिमूव वेस्टेज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन Now the नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ऑफ of मोशन study इज द purpose ऑफ मोशन study इज इसका भी ऑप्शन बी है टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे टू डू एज अ वर्क यहां पर मैंने मार्क नहीं किया ऐसे ही बताया क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू का जो है ऑप्शन बी यहां पर राइट right आंसर है नाओ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी ऑल द एवो तो यहां पर मैं ये ऑप्शन पढ़ूंगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू मैनेजरल प्रैक्टिस ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ ईच टास्क ऑप्शन सी सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग मैन टू परफॉर्म देयर जॉब तो ऑप्शन डी जो यहां पर है इसका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन वॉज डिवाइजेड बाई प्रिंसिपल ऑफ स्किलर चेंज है ये किसने डिवाइज की है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का जो यहाँ पर राइट right आंसर है वो बनेगा ऑप्शन सी फ्रेडरिक टेलर ऑप्शन डी जो सी जो यहाँ पर है इसका राइट right आंसर बनेगा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो इनमें से ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल कौन नहीं है हायरार्की यूनिटी ऑफ कमांड ऑप्शन सी स्पेन ऑफ कंट्रोल तो ऑप्शन डी स्टाफिंगी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टाफिंग इज नॉट द प्रिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग डिफरेंशिएट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन ए प्रॉफिट मोटिव ऑप्शन बी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑप्शन सी नेचर ऑफ फंक्शन ऑप्शन डी ऑल दबो तो इसका राइट आंसर जो यहां पर है ऑप्शन डी ऑल दबो बनेगा क्वेश्चन नंबर फोटी सेवन पब्लिक पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिचोटॉमी वॉज द थीम ऑफ पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिचोटॉमी जो है वो किस फेज़ की थीम थी आपको पता होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट में फाइव फेज आए हैं तो पहला फेज जो है फर्स्ट फेज ऑफ एवोल्यूशन इसमें पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिचोटॉमी जो है ये इसकी थीम थी तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली डिवाइडेड इन टू मैंने अभी आपको uh, कुछ सेकंड पहले बताया फाइव फेजेस तो ऑप्शन सी जो यहां पर है इसका राइट right आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन सिलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपने यहां पर सिलेक्ट करना है ऑप्शन ए हायर ऑप्शन बी प्रोफेशनल क्वालिटीज एंड कैरियर ऑस्पेक्ट ऑप्शन सी लीगल अथॉरिटी एंड पावर ऑप्शन डी ऑल दू ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्यूरोक्रेसी के क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ ऑप्शन ए डिविट वेल्डो इसका राइट right आंसर बनेगा यहां पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो ये मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस की जिक्र है तो मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव था वो ये था टू तो डेवलप द दे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को डेवलप करना था उसी के बारे में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी अंडर द पेट्रोनेज ऑफ डिविट वेल्ड ऑप्शन ए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर नाइनटीन सिक्सटी फाइव नाइनटीन सिक्सटी एट नाइनटीन

सोशल इक्वलिटी एंड चेंज ऑप्शन सी क्लाइंट फोकस तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर है इसका राइट आंसर बनेगा ऑल दुक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री द फर्स्ट मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस गिव राइज टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन Question number 54 Which are the perspectives of new public administration pointed out by David Waldo? Client oriented bureaucracy, representative bureaucracy, people participation in administration, all the above. This is the right answer. option? D all the above. all the above is the right answer for this question. Now, the next question Who is the major exponent of comparative approach to public administration? जो है ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर है फ्रेडरिग इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ कंपैरेटिव अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑप्शन ए इसका यहां पर राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेडरिग्स मैंने पहले ही बताया आपको फ्रेड्रिगस जो है फादर ऑफ पब्लिक पब्लिक अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑप्शन डी जो यहां पर है इसका राइट right आंसर बनेगा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फ्रेड्रिगस कंपरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑप्शन ए नोमोथिक नोमोथिटिक ऑप्शन सी इकोलॉजिकल ऑप्शन डी ऑल द ऑलो इसका राइट right आंसर जो यहां पर है वो बनेगा ऑप्शन डी ऑल द एबो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट एग्रीरिया इंडस्ट्रिया मॉडल वॉज कॉन्स्ट्रक्टेड बाय इसका भी जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्रेडरिग्स नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन हु डेवलप्ड गैंग प्लैंक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैनरी फ्यूल ऑप्शन बी जो है इसका राइट right आंसर यहां पर बनेगा हेनरी फ्यूल ने गैंग प्लैंक का यूज किया था डेवलप किया था इसको नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज ऑरेंटेशनिट कमिटमेंट सिटीजन पार्टिसिपेटिव ऑरेंटेशन ऑल द एबो तो इसका राइट right आंसर जो यहाँ पर है ऑल द एबो बनेगा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वॉज क्वनिड बाई न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है ये किसने कॉइन की थी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन का जो यहाँ पर आंसर है वो बनेगा ऑप्शन बी क्रिस्ट क्रिस्टोपर हुड क्रिस्टोपर हुड जो है इसका राइट right आंसर बनेगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एम इकोनोमी एफिशियवनेस दबो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन डी ऑलो क्वेश्चन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए ब्यूरो चॉइस अप्रोच्रोच एडवोकेट next एडमिनिस्ट्रेशन the, right right advocate, the, the term public administration was coined in the year क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर का जहां पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एटीन राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक प्रिंसिब्लिकेशन क्रिएटिव एक्सपीरियंस नन ऑफ द एबुक तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव का जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स डैश डैश मीनज फिलिंग ऑफ द वैकेंट पोस्ट इन सिविल सर्विसज तो इसका राइट आंसर जो है रिक्रूटमेंट ऑप्शन सी यहां पर बनेगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन नेगेटिव रिक्रूटमेंट स्टैंड फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन का जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन डी ऑल दो नाओ दिक्सटी एट विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडोप्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द मेरिट प्रिंसिपल तो इसका राइट आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन बी चाइना तो यहां पर मार्क करेंगे हम ऑप्शन बी को नाउ क्वेश्चन नंबर डेज डीन फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट इन द सिविल सर्विस बाई सूटेबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट अवेलेबल इन द ओपन मार्केट तो इसका राइट right आंसर जो है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन का वो बनेगा ऑप्शन बी एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डायज मीनज फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट इज बाई स्यूटेबल एंड एक्सपीरियंसड कैंडिडेट हू आर ऑलरेडी दे इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ऑप्शन सी इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच